आज हम बताएंगे हम शेकमेट में शेक कैसे बनाते हैं। तो हमने 400 ml जो है वाटर लिया हुआ है, देखो आपको दिख रहा है इसमें निशान है 400 ml, तो उस हिसाब से हमने 400 ml वाटर लिया है। ओके, ये शेकमेट है हमारा, इसके अंदर स्पून होता है ऑलरेडी। ये हमको ऐसा शेकमेट 1 स्पून आपको लेना है। ओके, ये प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर आपको बताया जाएगा जिसको जिस अपने हिसाब से लेना है, यानी आपको 2 स्पून बोला जाएगा तो आप 2 स्पून लीजिए, आपको 1 स्पून बोला जाएगा तो आप 1 स्पून लीजिए। ओके, ये भी आपको प्लेन करके लेना है। ये हमारा फॉर्मूला 1 शेक है, तो ये हमको 3 स्पून लेना है। ये देखो ऐसा मैंने प्लेन करके ही लिया है। ओके, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हम इसको ग्राइंड करके थोड़ी देर सेट होने रखेंगे, जैसे कि अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप इसमें ठंडा पानी यूज कर सकते हो, या फिर सादे पानी के साथ में आप 2 बर्फ के आइस क्यूब डाल के आप यूज कर सकते हो। ओके, तो उससे कैसा होगा आपका शेक जो है थिक और टेस्टी होगा। ओके, तो अब हम इसको थोड़ी देर सेट होने के रखेंगे और फिर इसको हम ये देखिए हमारा डिलीशियस शेक बन गया है। आप देखिए इसकी थिकनेस, यम्मी। ये हमारा मैंगो शेक रेडी है। तो इस तरह से आप अपना शेक एंजॉय कर सकते हैं, इसमें आप फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं मैंगो के साथ, आप कुल्फी, चॉकलेट, वैनिला जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 स्पून मैंगो 1 स्पून वैनिला, 2 स्पून चॉकलेट 1 स्पून मैंगो, ऐसा करके आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।